ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों से घिरे इसराइल पर हर वक्त हमले का खतरा मंडरा रहा है। लेबनान के हिजबुल्ला से लेकर यमन के हूती तक अपने खतरनाक हथियारों से इसराइल पर हमलावर हैं। बीते दिनों ईरान ने भी करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ा दी थी। इससे बौखलाए इसराइल ने ईरान को करारा जवाब देने की धमकी दी थी। दावा है कि इसराइल गुपचुप तरीके से ईरान पर बड़ा पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका भी सीधे तौर पर मदद करने के लिए कूद पड़ा है। इसराइल और हिजबुल्ला में बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने एडवांस एंटी मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम थार देने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि ईरान के हालिया मिसाइल हमलों और इलाके में बढ़ते तनाव के जवाब में ये कदम उठाया गया है। थार सिस्टम इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के इरादे से तैनात किया जाएगा। अमेरिकी मदद से ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोका जा सकेगा, ये ऐलान पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने किया है। जहां इसराइल के पास पहले से ही एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो सवाल उठता है कि आखिर इसराइल को अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों महसूस हुई है। तो बता दें कि ईरान और उसके सहयोगी गुट अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में थार्ड की तैनाती इजरायली डिफेंस को अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम करेगी। इससे इजरायल में होने वाले नुकसान में भी कमी आने की उम्मीद जताई गई है। आइए जानते हैं कि ये थार्ड क्या है और इसकी ताकत क्या है। थार्ड बेहद एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इसे कम दूरी से लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट रोकने में सक्षम होता है। यह डिफेंस सिस्टम आसमान से आती मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। इसमें एक मिसाइल का वजन 900 किलोग्राम होता है। 20.3 फीट लंबे मिसाइल का व्यास 15 इंच होता है। यह 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसमें कोई विस्फोटक वारहेड नहीं होता। इसमें इतने पावरफुल रडार लगे हैं कि वो 3,000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरों का पता लगाकर इंटरसेप्ट कर सकता है। प्रत्येक थार्ड बैटरी में 6 माउंटेड लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। इसमें रडार और रेडियो उपकरण भी शामिल होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर को रीलोड करने में करीब आधा घंटे का वक्त लगता है। एक थार्ड सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 95 अमेरिकी जवानों की जरूरत होती है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका के थार्ड सिस्टम की तैनाती ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के लिए सख्त संदेश है। इसराइल के खिलाफ किसी भी आगे की सैन्य वृद्धि के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जहां खुद अमेरिका भी इसराइल का साथ देने के लिए सीधे तौर पर उतर सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका इसराइल की रक्षा में न सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, बल्कि इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर राजनीतिक बढ़त भी हासिल कर रहा है।